सो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो के अंदर। तो ये सिंक्रोनस मोटर जिसका यूज कूलर के अंदर होता है और ये मोटर मार्केट में 70 रुपये में इजीली मिल जाता है। एंड भाई जब हम इसके शाफ्ट को घुमाते हैं तो ये 220 से ज़्यादा वोल्टेज आउटपुट में निकालता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं इसकी मदद से एक जनरेटर बनाने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा ज़रूर से देखना। तो देखो आइडिया काफ़ी सिंपल है, इस मोटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाने के लिए हमें इसके शाफ्ट को घुमाना पड़ेगा। तो इसको घुमाने के लिए मैं यूज करूंगा इस डीसी मोटर का जो कि 3 से 5 वोल्ट में इजीली चल जाता है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, इन सिंक्रोनस मोटर के अंदर बहुत सारे गियर्स लगे होते हैं जिसको घुमाना इस नॉर्मल मोटर की बस की बात नहीं है। तो सबसे पहले हमें इन सभी गियर्स को बाहर निकालना होगा और हमें ज़रूरत है सिर्फ इसके कॉयल एंड मैग्नेट की। और जब तक मैं इस मैग्नेट को मोटर के शाफ्ट में कनेक्ट कर रहा हूँ तब तक आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो अब मैं इस पीवीसी शीट के ऊपर इन सभी चीज़ों को ग्लूगन की मदद से अच्छी तरीके से चिपका लेता हूँ। जब आ रही है इसके कनेक्शन की, तो मैं इस मोटर को चलाने के लिए 6 वोल्ट का यूज करूंगा और यहाँ पर मैं स्पीड कंट्रोलर का यूज कर रहा हूँ जिससे मैं मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर पाऊंगा। आप इसको डायरेक्ट 5 वोल्ट से चला सकते हो और हाँ, आप इस मोटर को जितना तेज घुमाओगे उतना ज्यादा वोल्टेज जनरेट करेगा। तो हमारा छोटा सा जनरेटर बन के तैयार हो चुका है, तो चलो करते हैं इसकी टेस्टिंग। सबसे पहले मैं इसकी आउटपुट वोल्टेज को चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये 175 से ज़्यादा वोल्टेज आउटपुट में जनरेट कर रहा है। अब मैं इस 7 वाट के एलईडी बल्ब को जला के देखता हूँ कि ये काम करता है या नहीं करता है। वाह, यहाँ पर आप देख सकते हो ये 7 वाट का एलईडी बल्ब बहुत ही इजीली जल गया। गाइज बहुत कोशिश करने के बाद भी ये जनरेटर एलईडी बल्ब और मोबाइल चार्जर के अलावा कुछ भी नहीं चला पाया। तो वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको इसको बनाने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।